अज हुशियारपुर की अदालत च ए कैटागरी के गैंगस्टर गुरप्रीत सिंह सेखों सख्त सुरक्षा प्रबंधा ते उच्च अधिकारियों की निगरानी हेठ पेश किया गया। जानकारी दिंदिया सेखों के वकील पंकज बेदी ने दसिया कि मई 12, 2023 हुशियारपुर के पिपलावाले च होए साजन कतल मामले च अज गुरप्रीत सिंह सेखों अदालत च पेश किया गया। इस नाल ही उन्होंने दसिया कि CIA स्टाफ हुशियारपुर नू 4 दिन का गैंगस्टर सेखों का रिमांड मिलिया है और हुण 15 तरीक नू दोबारा सेखों नू अदालत च पेश किया जाएगा। जलंधर तो सुरेंद्र की रिपोर्ट। तो अज मैं गुरप्रीत सिंह सेखों अपीयर होया सीगा जी, तो अज इन्हां नू जिहड़ा आ सेंट्रल जेल बठिंडा तो लिया गया सी ते पेश कीता सीगा। श्रीमती सरबजीत कौर मैडम JMIC हैगी आ हुशियारपुर, इत्थे इन्हां नू पेश कीता गया सी। तो जिहड़ा मुकदमा आ वो 133 जिहड़ा हैगा आ FIR रजिस्टर्ड होई सीगी, इसे साल होई सी मई मंथ दे विच। तो उस दे विच इह सीगा कि दो ग्रुप्स सीगे, एक जसप्रीत सिंह चन्ना दा सीगा ते एक साजन कुमार दा सी। तो उन्होंने आपस में जोड़े कन्फलिक्शन है कंप्रोमाइज़ के लिए उन्होंने गैट टूगैदर हुए थे। तो कंप्रोमाइज़ के सडन प्रोवोकेशन के उन्होंने जोड़े आ लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया उन्होंने। तो उस जोड़ा क्रॉस केस 302 ते 307 का जोड़ा आ क्रॉस केस जोड़ा रजिस्टर्ड होया सी। उस अज इन्हों जोड़ा गुरप्रीत सिंह सेखों लिया गया सी। तो उस इन्होंने एलीगेशन ये कि जोड़ा उन्होंने एक ग्रुप हैगा आनू जोड़ा आ फैसिलिटेट किया वैपनस के नाल, जोड़े अपने हथियारबंद जोड़े आसीलेंट्स प्रोवाइड किए थे एक ग्रुप में जी। तो अज इन्हों लिया गया सी। तो इस केस के अज इन्हों 4 दिन का जोड़ा आ रिमांड दिता गया है। तो हूँ इन्हों CA स्टाफ जोड़ा हुशियारपुर रखा जाऊगा, उस पूछगिछ की जाऊगी जी। जी जी सर उ जी 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 नहीं उन्होंने फैसिलिटेट किया कि जसप्रीत सिंह जो चन्ना है कि वो खिलाफ जोड़ा दूजे फैसिलिटेट किया। सर इन उत्ते जो वक् वक् मुकदमे दर्ज है वक् वक् जिले के जोड़े आ मुकदमे दर्ज है। तो हूँ अपने 2021 तो मार्च 2021 तो जोड़ा अपने सेंट्रल जेल बठिंडा के जोड़े लॉज है। सर जोड़े बाकी केसिस है उन्होंने कुछ जोड़े केस है कई एक्विटल हो चुके हैं, डिस्चार्ज हो चुके हैं, तो ऑन बेल है। तो जोड़ा इस जोड़ा केस है अज तो यह इनिशियल स्टेज ही यदि शुरू हुई है, जो पूछगिछ होएगी तो फिर जोड़ा सर देखो साढ़े वालों डिफेंस ये कि जी अकरेंस हुई आ लड़ाई झगड़ा होया जिद एक मर्डर होया है तो एक जोड़ा 307 का मुकदमा दर्ज होया है, उस इनका कोई कंसर्न नहीं है, ना ही इन्होंने कोई वेपन प्रोवाइड किए हैं, ना ही कोई जोड़े असीलेंट्स प्रोवाइड किए किसी भी ग्रुप में, क्योंकि ये अपने बठिंडा जेल के ही लॉज हैगी है। तो उत्थे अंडर सर्विलेंस है, तो प्लस ये जोड़े उत्थे अपने जैमरस इंस्टॉल्ड किए गए है, तो इन्हों को कोई भी इदा कम्यूनीकेशन का सोर्स नहीं है कि अपने आउटसाइड ऑफ द जी जेल वह कम्यूनीकेट किसी नाल भी कर सकन। सिर्फ सेंट्रल जेल बठिंडा के एक ही सोर्स है वो वाया PCO है जी STD हैगी लिमिटेड टाइम दिते जाता है, तो लिमिटड ही असी जोड़ा अपने बार जो रैलेटिवस है किसी लिमिटड परसनस नाल ही असी लिमिटड कॉन्टैक्ट से ही असी गल कर सकते हैं। तो वो जोड़े अंडर सुपरीविजनस होंगे आ पुलिस ऑफिशियल दे ते वाया ऑफिस ही है कम्यूनीकेट कर सकते, उस तो अलावा होर कोई भी इन्होंने कम्यूनीकेशन का जो सोर्स वो नहीं है। इन्हों हूँ 4 दिन का इन्हों का रिमांड दिता गया, हूँ दोबारा इन्हों 15 तरीक में जोड़ा दोबारा पेश किया जाएगा सेम कोर्ट के श्रीमती सरबजीत कौर मैडम JMIC हुशियारपुर। देखो सर जेकर आप देखिए जी बठिंडा सेंट्रल जेल बठिंडा जेल हैगी इन्हों स्पैशल जोड़ा आ 2021 जोड़ा आ इंस्टॉल्ड किया गया है, ये जैमर इंस्टॉल्ड किए गए थे, तो इनू जी पंजाब की सब तो ही हाई सिक्योरिटी जी जेल वो मनिया जाता है। तो ये कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि उत्थे कोई भी असी अपनी प्राइवेट वे दे नाल असी कोई भी उत्थे कोई अपनी कम्यूनीकेशन कर सकते।